हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद संस्कार में। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्नीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। ये जो प्रश्न है वो नौवीं और दसवीं के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये कक्षा नौवीं की मध्य प्रदेश के प्रश्न बैंक से लिया गया है विज्ञान के से। तो ये जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रश्न है प्रश्नीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए, तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। और इसका जो उत्तर आपको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करे देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नीकरण विधि के दो अनुप्रयोग निम्न है, मतलब कि जो प्रश्नीकरण विधि है इसके जो अनुप्रयोग है उसे हमने निम्न लिखे हैं। पहला है प्रश्नीकरण विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, मतलब जो प्रश्नीकरण विधि है इससे जो समुद्र का जल होता है उसे शुद्ध किया जाता है। मतलब कि जो समुद्र का जो जल होता है वो नमक वाला होता है, तो उसमें से नमक को अलग करके उसको शुद्ध किया जाता है। वो जो समुद्री जल होता है वो खारा होता है, तो उसे शुद्ध किया जाता है क्रिस्टलीकरण विधि से। और दूसरा पॉइंट है वो क्रिस्टलीकरण विधि की सहायता से अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जाता है, मतलब कि जो क्रिस्टलीकरण विधि होती है इसकी जो सहायता से अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जाता है। तो ऐसा करते हैं, आपको ये क्वेश्चन है इसका उत्तर ये समझ में आया हो तो अच्छी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।